हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार सत्ता हासिल की तो चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेताओं के चेहरे खिल उठे। जीत के बाद बीजेपी के दफ्तरों में मिठाइयां तो बटी ही, जलेबी भी बांटी गई। वैसे जीत की जलेबी खाने की उम्मीद कांग्रेस नेताओं ने लगा रखी थी और शुरुआती रुझान के बाद तो कांग्रेस के दफ्तरों में जलेबी तक छननी शुरू हो गई थी। लेकिन वोटों की गिनती शुरू होने के 1.5 घंटे बाद ही बीजेपी ने कांग्रेस के मुंह से जीत की जलेबी छीन ली। सुबह सुबह भोपाल में कांग्रेस के दफ्तर पर जलेबियां छन रही। ये कांग्रेस की जीत पर आप लोगों को जलेबी खिलाई जा रही है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता जलेबियां बांट रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर भी जलेबी बंट रही। यहां कांग्रेस दफ्तर में आतिशबाजी हो रही, ढोल नगाड़े बज रहे। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सुबह सुबह हरियाणा के चुनावी रुझान आने शुरू ही हुए थे। कांग्रेस कार्यकर्ता इस उम्मीद में खुशी मना रहे थे कि बस हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन ही। लेकिन वोटों की गिनती शुरू होने के 1.5 घंटे बाद सब कुछ बदल गया। चुनावी रुझान पलट गए। कांग्रेस के जिन दफ्तरों में जलेबियां बट रही थी वो सब गायब हो गए। कांग्रेस के दफ्तरों में सन्नाटा छा गया। बीजेपी कार्यकर्ता हरियाणा में हैट्रिक की खुशी में एक दूसरे को जलेबियां खिलाने लगे। कार्यकर्ताओं की खुशी इसीलिए भी थी क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस के मुंह से जीत की जलेबी छीन ली। हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक कैसे मारी अब इसे भी समझ लीजिए। वजह नंबर 1, लोकसभा चुनाव में पहले मुख्यमंत्री बदलने का फैसला रंग लाया। वजह नंबर 2, बीजेपी ने नए उम्मीदवारों को मौका दिया। वजह नंबर 3, जाट वोटरों का समर्थन मिला। वजह नंबर 4, आंतरिक कलह पर पार्टी ने लगाम लगा। और वजह नंबर 5, लाडो लक्ष्मी योजना का भी फायदा मिला। मैं हरियाणा की 2,80,00,000 जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के गरीब ने, हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। सुबह सुबह कांग्रेस के भोपाल दफ्तर में जलेबी छन रही थी तो दोपहर में बीजेपी के राजस्थान कार्यालय में जलेबियां छनने लगी। हर बार जब कोई पार्टी जीतती है तो उसके समर्थक लड्डू बांटते हैं, लेकिन इस बार जलेबियां बांटी जा रही। आखिर जलेबियों की चर्चा अचानक से क्यों होने लगी? दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भी जलेबी ट्रेंड कर रहा है। इसकी वजह है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का जलेबी पर दिया गया एक बयान। ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। वहीं से जलेबी पर कांग्रेस और बीजेपी में मीम युद्ध शुरू हो गया। राहुल गांधी की जलेबी फैक्ट्री पर लोगों ने मजाक उड़ाया तो कांग्रेस भी उस पर जवाब देने में पीछे नहीं रही। क्योंकि 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद और कल उन्होंने 23 साल मनाए पब्लिक लाइफ में, उन्हें ये नहीं मालूम कि हिंदुस्तान से जलेबियां फैक्ट्री में बनकर विदेशों में जाती हैं, आज उन्हें मालूम पड़ जाए। इसीलिए आप लोग जलेबी बट पा रहे हैं। बिल्कुल, ज्ञान तो बढ़ाना चाहिए अपने प्रधानमंत्री का। अगर वो अज्ञानी हो तो मतलब थोड़े ही उनका ज्ञान नहीं बढ़ाएंगे। पवन खेड़ा जब जलेबी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे थे तब तक उन्हें भी नहीं मालूम था कि आज कांग्रेस के लिए जलेबी मीठी नहीं बल्कि फीकी रहने वाली। वाराणसी में तो बीजेपी कार्यकर्ता हरियाणा में बीजेपी की जीत पर जलेबी वाले गाने पर जम कर थे और एक दूसरे को जलेबियां थे। इस गाने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिर्ची जरूर लगी होगी। हरियाणा में तीसरी बार जीत दर्ज करने के साथ बीजेपी ने उन तमाम एग्जिट पोल्स को भी आईना दिखा दिया जो हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत मिलने का दावा कर रहे थे। हरियाणा के चुनावी नतीजों ने तमाम एग्जिट पोल्स की भी जलेबी बना। दिल्ली से रविंद्र कुमार और अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।